वेलकम टू माई लॉकअप। जितना इन कैदियों ने 7 हफ्तों में किया, कल प्रिंस ने एक ही दिन में कर दिया। किसी पे लगाया आरोप, किसी को उसका असली रंग दिखाया, तो किसी को ये बता दिया कि वो क्यों है लॉकअप पे बोझ। लेकिन प्रिंस ने रियलिटी चेक तो हर किसी को दे दिया, आई वुड से मच नीडेड वन। प्रिंस ने लॉकअप में बैठे कैदी प्रजा की बोलती बंद कर दी। गेम बदल गया है, अब तालियां बजाने वाले भी परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाया करते थे, वो अब एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कंपटीशन दे रहे हैं। जेल कैदियों को समय के साथ बहुत कुछ सिखाती है और लगता है ये भी सीखने लगे हैं। अब सिर्फ खुद की ही नहीं, दूसरों की गेम पर भी निगाह रखनी होगी। और आज फिर से इस जजमेंट डे के दिन कोई होगा मेरे लॉकअप से लॉकआउट। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कल मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ। मैं मुझे बैठ के सॉरी बोली। क्या क्या स्टाइल था सॉरी बोलने का? ऐसे डांस मैंने मेरे एक्स के साथ भी नहीं किया। शर्म आ रही है मुझे। फिनाले में प्रिंस के साथ सबसे डिफ़िकल्ट दिन होगा वो। एक सोलो का ख़त्म होने का गम, एक प्रिंस पी जाएगा उसका गम, और उसकी वाइफ होगी वहाँ उसका गम। आई थी कभी सोचा था कि इस लेवल तक पहुँचेगी? नो, एक्सेप्टेड, नहीं सोचा था। शैम्पू फेंको, मग फोड़ो, कप तोड़ो, वही तो है ना। मैं भी तोड़ने लग जाती हूँ हर चीजें। ये खाली शैम्पू फेंक दिया, मग तोड़ती है। मैं तुझे एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब वो अब तू करेगी तो वो लगे क्या लगेगा? मैं वही बोल रही हूँ कि मुझे नहीं करना है। मैं तू जान बूझ के जस्ट टू शो के ओह ये देखो दिस इज योर डेफिनेशन लो, बिकॉज इफ दैट इज द चोजन नैरेटिव देन व्हाट डू आई डू? नो। सो पूनम और अली पहले ही जा चुके हैं बॉटम में, तो ये अपने आप को किसी भी राउंड में नहीं बचा पाएंगे। लेकिन उनके अलावा जितने भी कैदियों पे चार्जशीट लगी है, उन्हें मिलेगा खुद को सेव करने का मौका। गार्ड्स, कैदियों को यार्ड एरिया में लेके आओ। तो कैदियों, yes, ma'am. Yes. जी। सबकी घंटी बजी डोमिनोज गेम में। yes. 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 सिर्फ शिवम और प्रिंस को छोड़ के। yes, ma'am. अब आप में से हर एक 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 करके बताएगा कि आप लोगों की क्या असेसमेंट है कि शिवम ने ऐसा क्या किया जो वो ये राउंड जीता और पहला फाइनलिस्ट बना, और जो आप करने में चूके। साश, आप शुरू कीजिए। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, शिवम की जो अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी थी वो किसी के साथ शेयर नहीं की थी। उसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो चला रहा था और उसी के हाथों हमें भी चला रहा था। तो आई थिंक ऑनेस्टली दैट हैज़ बीन ए स्ट्रैटेजी फ्रॉम डे वन, कि वो जो कर रहे हैं वो किसी को बताते नहीं हैं लेकिन कर जाते हैं। मेरे हिसाब से मेरा ड्रॉबैक वही रहा है कि मैं मेरी स्ट्रैटेजी पायल के साथ पूरी डिस्कस कर रही थी, अंजलि के साथ पूरी डिस्कस कर रही थी, पूनम के साथ पूरी डिस्कस कर रही थी। तो आई थिंक दैट वॉज माई सेटबैक। अंजलि, मैम ये कोई मेरे हिसाब से कोई प्लान नहीं था, तुक्का था कि वो बच गए। बिकॉज जब मेरे को चाबी मिली थी तो मैंने प्लैंक लगा ही दिए थे ऑलमोस्ट, और एट द एंड आजमा ने वो प्लैंक एक नहीं दिया जो एक ब्रेक था जो लास्ट लगना था, और तब तक उसने एक फटाफट ला के साइशा पे लगा के उसको गोहर्ड उन्होंने दे दिया था और वो साइशा का गिरा दिया। वरना बस वो एक हल्का सा वो रहा तुक्का। तो मेरी किस्मत ऐसी बात नहीं, किस्मत हमारे किस्मत। बहुत सारे कैदी जो हैं वो बाहर भी हुए हैं काफी। हाँ। एक लंबी लाइन है कैदियों की जो बाहर भी हुई है। इस लेवल तक सस्टेन करना एक आई थिंक इज वन एस्पेक्ट। नंबर टू एस्पेक्ट ये है कि ये क्विंटेसेंशियल अंडरडॉग बन चुका है। जब डोमिनोज की गेम का सबसे बड़ा एस्पेक्ट यही था कि वहाँ पे लोग टारगेट हो रहे थे और अधिकतर स्ट्रॉन्ग कैदियों को टारगेट किया गया, तो शिवम पे किसी का ध्यान नहीं गया उस टाइम पे। इसका मतलब इसकी जो सबके साथ में जो रिलेशंस थे वो इतने, चाहे जो भी उनमें मधुरता थी, स्वीटनेस थी, तो किसी ने उसको टारगेट करना नहीं चाहा।
ये सस्टेन किया, बट ऑल्सो ये एक स्ट्रॉन्ग कैदी की तरह अभी तक बाहर नहीं आया था, तो किसी ने इसको एक क्विंटेसेंशियल फाइनलिस्ट की तरह नहीं देखा। चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी मुनव्वर, आपकी क्या राय रहेगी इस पे? मैं ये बोलूंगा कि जब शुरू हुआ तब स्ट्रेटजी होने लगी थी, पता चलने लगा था कौन किसको करने वाला है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया था कि जब हम पहले तो पायल के लिए थे और मेरा यही था कि पायल को मैं नहीं देखना चाहता फिनाले में, लेकिन एक टाइम आया जब प्रिंस भाई ने बोला, उनकी ब्रीक बहुत ज़रूरी थी लगने के लिए, और प्रिंस भाई ने कहा कि मैं शिवम के लिए ब्रीक नहीं दूंगा, जब मैंने उनका नाम, मैंने नाम लिया कि शिवम का उड़ाना है मुझे, तो उन्होंने बोला मैं उसके लिए ब्रीक नहीं दूंगा, मैं पूनम आजमा अली के लिए देने को तैयार हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मेरा टाइम वेस्ट इनको कन्विंस करने में ना हो, और कॉम्पिटिशन कम करने के लिए जो इनको उनको लगता है कि इसके लिए दे देंगे, मैं उनके लिए ब्रेक लेके आ जाऊँ। और शिवम उस वक्त रोना शुरू कर दिया, एकदम बिलक बिलक के गिड़गिड़ाने लगा कि मैं फिनाले जाना। तो तुम भी थे बिलक बिलक के, पर गलत सिचुएशन पे रोए थे। हाँ नहीं मैं वही बोल, मैं बता रहा हूँ उस वक्त क्या हुआ। तो वो रोने लगा और सेम टाइम वहां से प्रिंस भाई ने भी बोला, और हम लोग ने भी बोला कि चल ठीक है, चल कोई ना, तेरा नहीं उड़ा रहे, अपन चार खेलेंगे। तो और आप मेरे देख रहे हैं मुनव्वर, सायशा आप हमेशा कहती हैं कि यहाँ बैड एस बनने के लिए मैं गाली गलोच या किसी को बैक स्टैबिंग या किसी तरह की हिंसा मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आने वाले सीजन्स में जब भी लोग देखेंगे तो एक शिवम उसका एक एग्जाम्पल है कि इसने जो है बिना किसी तरह की हिंसा किए, बिना किसी तरह की गाली गलोच किए या बिना किसी तरह की बैक स्टैबिंग किए, ही जस्ट प्लेड हिमसेल्फ। यस यस। और बाय जस्ट बीइंग हिमसेल्फ, जो आपने कहा रोना बिलखना, मैं बंदर बन जाना, मैं वही प्लेट जाना, व्हाटएवर इट टेक्स, राइट? मैं पूरी बात अपने हिसाब से, मगर ये हम देखने को मिल रहा है हमें कहीं ना कहीं, ये एक गलत भावना बन गई है कि बैड एस जेल मैं देख रही हूँ, जो कैदी बाहर भी जा रहे हैं वो अक्सर, क्योंकि वो अभी आउट हो जा रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं बाहर जाके कि अरे हमारे से तो नहीं होता, हमसे इतनी हिंसा नहीं हो सकती, या हमारे बस की नहीं है ये गाली गलोच, या वहाँ पे बड़े गंदे लोग हैं। तो ये सब धारणाएं हैं उन्होंने बनाई हुई है। एक हमारा फर्स्ट फाइनलिस्ट वो कैरेक्टर है जो कि इस तरह की किसी हिंसा में अब तक इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है, उसने ना किसी पे हाथ उठाया है, ना किसी को गाली गलोच दिया है, ना किसी को बैक स्टैबिंग की है। So this is saying a lot of things. Yes, Munawar. मैं वही कंप्लीट वही करने जा रहा था, क्योंकि साइशा को मैंने यही आंसर दिया, अगर आपने देखा होगा तो मेरा आंसर वही था कि एग्जैक्टली वो गेम नहीं है, आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से किस तरह एंटरटेन करते हो लोगों को वही डिपेंड करता है। मैंने अपना गेम कभी भी चेंज नहीं किया, जब भी मुझे वीक भी कहा गया उस वक्त मैंने चेंज नहीं कर दिया और झगड़े शुरू नहीं कर दिए। तो मुझे लगता है जो सेम गेम उसने वही खेला कि वो जो अपनी पर्सनालिटी के साथ ही रह के उसने खेला, मज़े करता है टास्क में, बहुत मज़े ले लेके करता है, बहुत ईज, जैसा आपने बोला, वो ईज के साथ करके निकल जाता है। और यहाँ जो दो चार लोग हैं उनको लगता है कि हम एक दूसरे लड़के ही मर जाएं, ये साइड में से एकदम जो झगड़ा होता रहता है और बीच में से वो जैसे रुमाल निकलता है ना, वैसे रुमाल लेके वो झगड़े में से निकल जाता है। हम मूवीज में देखते थे ना, झगड़ा होता है, जिसने चोरी किया वो वॉलेट लेके नीचे से निकल रहा है, और मैम हिंसा तो मेरे ख्याल से वो वैसे निकल गया। तो आई थिंक देयर वाज द रीजन। आपका क्या कहना है? मैं बोला चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि मैंने कुछ टास्क ऐसे कराए थे जो इन्होंने दिए ही नहीं थे मुझे, वो इसलिए था क्योंकि रीजन ये था कि मैं अगर भी उसी में फंस रहा हूं। नहीं मैं उसको उसी के बीच में आ रहा हूँ, उसी के साथ में, क्योंकि उसका रीजन ये था कि मुझे सबको कन्फ्यूज करना था, पर मैंने जब शिवम को टास्क दिया वो टास्क नहीं था, पर शिवम ने विद इन अ सेकेंड, मतलब मेरे बोलने के एक सेकेंड बाद वो शुरू कर दिया। और जब वो यहाँ पर रोया था, मेरे को लगता है कि रोना वीक नहीं होता, जो रोता है इंसान वो वीक नहीं होता, वो अपने इमोशन बताता है, और रोने से मुझे ये पता लगा कि शिवम इस शो से कितना प्यार करता है, इस शो में रहना चाहता है, इस शो में शिद्दत मतलब अपना पूरा सब कुछ लगाता था कि वो इस शो में रह पाए। तो अगर इसका शो के प्रति इतना प्यार है तो हम कौन होते हैं इसको इस शो से निकालने। देखा प्रिंस, आप में जो भावना आई वही भावना, जबकि आप शो के ओनर नहीं है, जबकि आप ये शो नहीं चला रहे हैं, वही भावना दर्शकों को आती है जब ये जब आप लोग कैदी यहाँ बैठ के बोलते हैं ना कि मैं तो सिर्फ मेरे को घंटा फर्क पड़ता है ये शो का, या मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो जाना है, मेरे को जमता नहीं है। यहाँ पे कई हैं जो अभी भी कह रहे हैं, और पहले भी कई कैदियों ने इस तरह की बातें यूज़ की, उनको लगता है कि बड़ा कूल साउंड करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना एक इंसान के दिल को सिंसेरिटी छूती है, जितना एक इंसान के दिल को, एक आपने जैसे कहा कि उसके लिए है वो इम्पोर्टेंट, इससे वो कोई छोटा आदमी नहीं बन जाता। और आप जो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई हैव जस्ट कम हियर टू चिल, तो आप बड़े नहीं बन रहे हैं। आप जो दिखाना चाहते हैं इट इज नॉट कमिंग अक्रॉस। लेकिन जो इंसान रो रो के बिलक बिलक के कह रहा है कि मेरे लिए मैटर करता है यार,
यू नो, ये चाहे शो हो या चाहे कोई अपॉर्चुनिटी हो लाइफ में या चाहे कुछ भी हो जिंदगी में, लेकिन जो इंसान इतनी सिंसियरिटी तो आपके दिल को छूती है वो. पूनम, आपने कहा कि आप यहाँ रहना नहीं चाहते, तो मैंने आपको भी थोड़ा सार्कास्टिकली ये चीज आपको भी इंक्लूड किया है इसमें. आई रियलाइज दैट मैम, आई रियलाइज, बट मेरा मैम, मैं जब वो बोलती हूँ तो कूल वे में नहीं बोलती. आपने तो देखा ही अभी तक जितनी भी जो भी मेरी सिचुएशन है, मैंने हमेशा से अपना 100% दिया है. अब बॉडी साथ नहीं देती है, उस हिसाब से मैं मेंटली वीक हो रही हूँ. मैं ये बात साइशा से भी कर रही थी, इनफैक्ट मैंने कल की परसों भी सेम चीज़ कहा था कि मैं मेंटली बहुत वीक हो रही हूँ. तो आपको क्या लगता है शिवम क्यों आगे आया? शिवम मैम मुझे पर्सनली बहुत बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है. इनफैक्ट जब डोमिनोज का टास्क हो रहा था, खुद मेरे पास कुछ लोग आए थे कि अंजलि आई थी कि शिवम पे हमको लगाना है. मैंने इमीडिएटली बोल दिया मुझे नहीं लगाना है, और मुझे पता नहीं है मैंने क्यों बोला, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये. तो आई थिंक इसे जो रिलेशनशिप एक तरीके का हम लोगों से बना रखा है, अभी इसका जो हिसाब से इसका झगड़ा होता रहा है पायल के साथ, लेकिन अभी आप जब देखें ऑल ऑफ अ सडन सिचुएशन जिस तरीके से चेंज हो गई है पायल को लेके, इन्होंने पायल को अभी बचाया जहां मेथी आलू के झगड़े होते थे. तो इनकी लाइकेबल क्वालिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. तो आई थिंक वो एंड ये दोस्ती भी इनकी है, वो जो मैं आपको ये चीज़ गलत नहीं इंटरप्रेट करना चाहते. Yes. जो शिवम ने जिसके भी साथ में दोस्ती की है, ऐसा नहीं है एक दूसरे में घुस रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं या एक दूसरे की गेम को रोक रहे हैं. फ्रिक्शन जो है लोगों में वो मिनिमम थी. मैंने आपके साथ में कई औरों को देखा, जैसे शिवम का नाम आया तो सबने कहा नो 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 नॉट मी. प्रिंस ने कहा, कई लोगों ने कहा नहीं नहीं. मुनव्वर ने भी कहा नॉट शिवम. तो उसको सब लोगों ने सपोर्ट किया, जबकि मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकती यहाँ पे उसके फ्रेंड्स हैं कौन कौन. यू सी, ये भी तो एक स्ट्रेटजी है. यस यू नो, आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, वो बहुत खूबसूरत स्ट्रेटजी है. यस यू नो, तो जो लोग जिन लोगों को अपनी पर्सनैलिटी में लगता है कि दे आर नॉट द वंस जो कि स्टैंड आउट होते हैं, तो ये देखिए ये एक पर्सनैलिटी टाइप है जिसको आप अंडरडॉग कहते हैं. पूनम, आप कहते हैं आप थक चुके हैं और ये सब, लेकिन मैं आपको बहुत क्यूट एक रैप आपको और साइशा को करते हुए देखती हूँ, कभी बाथरूम में कभी किचन में. सफाई रैप जो आपने, आप लोगों ने जो रैप बनाया है, अगर आप हमारे लिए परफॉर्म कर देंगे तो बहुत ही क्यूट है. और आप लोगों के जो डबल मीनिंग जोक्स हैं शिंदे और पांडे को लेके, चलो वो तो मैं वो तो आई विल नॉट आस्क यू टू रिपीट, पर प्लीज वो रैप तो मान ले कर दीजिए. आप प्लीज साइड में खड़े होके, लाइक थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दैट. कई बार ऐसे बोलते हमें ऐसे करना पड़ता था, बस रे बाबा नहीं सुना जाएगा. 1 2 3 स्टार्ट. सफाई 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 किचन में सफाई, बेडरूम में सफाई, बाथरूम में सफाई, लेकिन काले दिलों की नो सफाई. सफाई 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 सफाई. ग्रेट, दिस इज व्हाट यू गर्ल्स आर. ये आप लोगों की असेंशियल नेचर है. यू गाइज आर हॉट, फन, स्पॉन्टेनियस एंड फायरी, यू नो. तो जब मैं आप लोगों को ये आप लोगों के ग्लिम्सेस देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये पर्सनैलिटी क्यों नहीं डेवलप हो रही है. कहीं ना कहीं नीडी, क्लिंगी, स्कार्ड, ऑफकोर्स वी ऑल आर, है ना. लेकिन आप किसको फीड करते हैं वही बाहर आता है, राइट. जो आप जिसको फीड कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वही बाहर आ रहा है. अली, वेल जब सारे लोग ओपनली अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में बिजी थे, तो शिवम सिर्फ एक ही फोकस में था कि यार मैं एग्जैक्टली क्या करूं, और वो टोटली कामयाब हुआ सबका दिल जीतने में. और उसने एक परफेक्टली टारगेट किया, सबसे पहले मैं प्रिंस का दिल जीता, और फिर धीरे धीरे उसने सबके साथ इमीजिएटली बॉन्ड बनाई, और जैसे जैसे गेम जा रहा था वो स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा सही जा रहा था, और सबसे ज़्यादा एफर्ट भी उसने लगाए. रात में उसने गद्दा भी लगाया, और पूरा टाइम उसका सिर्फ एक ही फोकस था कि कैसे वो जीत जाता है. तो आई थिंक ही डिजर्व्ड. मेरे को नहीं लगता है कि उसने मेरे साथ बॉन्डिंग बनाई, क्योंकि उससे पहले मैं उससे लड़ चुका था. मुझे लगता है कि वो जो रोना था वो बहुत नेचुरल था, वो बहुत जब इन्होंने सब इसको लगा कि इसका नाम आने वाला है, तो वो बहुत दिल से निकला था और वो दिल तक छुआ था, तो वो ही रीज़न था. बाकी सारे लोगों के साथ, हमारे साथ
मैम मुझे लगता है कि शिवम के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे सबके साथ, तो किसी ने उसको स्टार्टिंग में टारगेट नहीं किया, जैसे ही उसको टारगेट किया तो ऑब्वियसली प्रिंस ने बहुत सपोर्ट किया शिवम को, एंड देन फिर वो बचते 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 फिनाले में पहुंच गया और वो डिजर्व भी करता है. Yes. Obviously, that is the given. आपको perform तो करना ही पड़ेगा. बैठे-बैठे तो आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलता. लेकिन what I want to say here, जो seemingly ऐसा लगता है कि इंसान lucky है, जो अंजलि ने भी कहा, उनका एक stroke of luck है या by fluke है, उसके पीछे कितनी layer में वो इंसान की personality, उसके actions, उनके reactions, उसके responses, उसके choices छुपे होते हैं. ये भी हमको study करने को मिलता है. पायल आपको क्या लगता है? शिवम के साथ मेरा रिलेशनशिप काफ़ी, जैसे बोला, उतार चढ़ाव वाला रहा है. देर वॉज अ टाइम वेन आई वॉज रियली अगेंस्ट हिम वेन ही वॉज टारगेटिंग सिद्धार्थ, बट उस जोन से, हम लोगों का मेथी आलू जोन से, मी एक्चुअली टेलिंग अंजलि आई एम नॉट गोइंग टू बी पुटिंग यू नो टाइल्स ऑन हिज प्लैंक, बिकॉज आफ्टर मुनव्वर शी वॉन्टेड मी टू पुट द टाइल्स ऑन हिज प्लैंक. कहीं ना कहीं एक बहुत अनस्पोकन बॉन्ड है हम तीनों का, इनफैक्ट विच इज़ नॉट दोस्ती दोस्ती दोस्ती, इट इज़ वेरी अनस्पोकन. इनकी इंडिविजुअल गेम मैं पहले दिन से देखती आ रही हूँ, जब मैं सॉलिटरी सेल में थी, एंड आई न्यू दैट अगर मुझे किसी के साथ आगे जाके खेलना है तो मैं शिवम के साथ खेलूंगी, क्योंकि इन सारे भेड़ चाल में से मुझे उसकी इंडिविजुअल गेम दिख रही है. ये मैंने तब बोला था जब घर के अंदर सारा थी, एंड टुडे ही सेव्ड मी. एंड इनका रिलेशनशिप सबके साथ बहुत वो है, वो अगर भिड़ते भी हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे दाल नहीं होने वाली, तो वो बैक स्टेप ले लेते हैं, एंड दैट शोज दैट ही नोज दैट उनको आगे जाना है. आगे जाने के लिए साम दाम दंड भेद, और उसमें अगर उसको अपना सर झुकाना भी है, बंदर भी बनना है, हाँ जी हाँ भी करना है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है जो उनका इंडिविजुअल गेम है जो उनको फाइनलिस्ट बना गई है. ओके, तो आज जजमेंट डे है और आज बहुत कुछ होने वाला है. So let's call the guards. Guards! Munawar, तुमने क्या पकड़ लिया है, दिल या कुछ और? नहीं, मैं ये एंगल में बैठा. मैं भी अक्सर पकड़ता रहता अपने दिल. दिल दो साइड तो नहीं होता, तो मैं दिल तो नहीं. मैं वही सोच रही हूँ तुमने क्या पकड़ लिया सीक्रेट देख के. नहीं नहीं, ये एंगल में मेरे को बैठने जमता है ऐसा. तो ये एंगल में ऐसे बैठा था कि हाथ को ऐसा आराम मिले, ऐसे लटके ना. अच्छा एंगल, अच्छा लटक जाते नहीं तो. लटके ना मतलब? अरे हाथ लटके ना, लाइक ऐसे ना हो, ऐसे रहे. नहीं, आजकल हम मुनव्वर के बॉल के साथ भी काफी गेम्स खेल रहे हैं. मत मैंने बॉल्स बनाए हैं. बॉल्स बनाए? अरे टिश्यू के. हम लोग टिश्यू के. हम लोग बोर होता है तो टिश्यू के. तो तुम ये सब कर रहे हो खेलने के लिए टाइम पास? खेलने के लिए टाइम पास. क्योंकि तुम्हें खेले बहुत दिन हो गए क्या? यहाँ पे सबको बहुत दिन हो गए, तो सब मिलके खेलते हैं. मुनव्वर, अंजलि, आजमा और शायशा, बजर के सामने आके खड़े हो जाइए. अली और पूनम, आप पहले बॉटम में जा चुके हैं, तो आपको कोई मौका नहीं मिलेगा. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जितना वक्त आपके साथ रह लेती हैं आपको खाने लग जाती हैं. पहला झूठ और दूसरा सीक्रेट्स. समय के साथ साथ छोटे सीक्रेट्स बड़े बड़े झूठ बनने लगते हैं, और आप अपने सीक्रेट्स को छुपाने के लिए और झूठ बोलते जाते हैं. लॉकअप इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एंड योर डार्क साइड, और तभी बनते हैं आप बैड एस अपने लिए और दुनिया के लिए. आज आप सभी अनसेफ कैदीज के पास में एक मौका है खुद को सीक्रेट की गिल्ट से फ्री करने का और लॉकअप में खुद को सेव करने का. मैं हमेशा से कहती आई हूँ, जो बाकी शोज में होता है वो यहाँ नहीं होता. किसी भी शो में आपको बाहर होने से बचने का मौका नहीं मिलता और खुद को बचाने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आपको वो मौका दिया जाता है. रिमेंबर, ये हफ्ता आप सभी के लिए बहुत क्रूशियल है. आप सब इतनी दूर आए हैं, तो अब टू स्टे इन द गेम बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट. आप सभी एक एक करके बेनकाब जोन में जाएंगे. आपको अपने सीक्रेट से रिलेटेड एक वर्ड टीवी स्क्रीन पे दिखेगा, उस वर्ड को देखिए और वापस आकर अपने बजर के सामने खड़े हो जाओ. मुनव्वर,
अजमा हमारा नकाब खुलेगा। ओ बाप रे ये क्या डाल दिया। भाई हम जा रहे हैं, मतलब कंगना मैम के पास जा रहे हैं, शो से नहीं जाएंगे इतनी जल्दी। साइशा अंजलि आप सभी ने अपने सीक्रेट से रिलेटेड एक शब्द देखा, अब दो कदम पीछे जाकर घूम के खड़े हो जाइए और मेरे काउंटडाउन पे आप ये बजर दबाएंगे और जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसे वो सीक्रेट रिवील करने का मौका मिलेगा। सो हियर इट गोज, 5, 4, 3, 2, 1। बजर जिन्होंने पहले दबाया है वन। वो है साइशा। तो साइशा आप अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी और फिर अपना सीक्रेट बताएंगी, यही होता है ना? पर ये नहीं होगा आज। कॉन्ट्रैक्ट रख दीजिए। इनमें से किसी एक कैदी को कन्विंस करना है उसका सीक्रेट रिवील करने के लिए, और आज हम देखेंगे कि भाईचारे का, दोस्ती का, सोशलाइजिंग का, फ्रेंडशिप्स का क्या मोल है और क्या मायने हैं। तो साइशा आप प्लीज़ इन तीनों में से किसी एक को उसका सीक्रेट रिवील करने में अगर आप कन्विंस कर पाती हैं तो आप खुद को सेव कर लेंगी। ओके ओके। तेरी क्या सिचुएशन है? तू हाँ या ना बोल, फिर मैं कन्विंसिंग का चालू कर सकती हूँ ना। तू स्टार्ट में हाँ या ना बोल। उसे क्या देख रहे, मुझे बोलना। साइड में आना तो साइड में। बोल, मेरी लास्ट सीक्रेट है। मेरी भी लास्ट ही सीक्रेट है। और तू बता, मैं मुनावर से भी पूछूंगी, आजमा से भी पूछ लेती हूँ। मुझे पता है आजमा तो नहीं बोलेगी, पर मैं पूछ लूंगी आजमा से। आजमा, तेरी भी लास्ट सीक्रेट है? ना, मैं नहीं दे सकती, सीरियसली। बिल्कुल भी नहीं। क्या, आजा आइए। हाँ, क्या सिचुएशन है? जो मेरा है वो इट्स लाइक सबका वैसे है ना मुनावर, सबका वैसे है। अभी मेरे यहाँ पे दो ही ऑप्शन है। आई डू इट। श्योर? तो मुनावर क्या डिसाइड किया आपने? आई डू इट। तो साइशा को बचाने के लिए मुनावर अपना सीक्रेट रिवील कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट खोलिए मुनावर और साइन कर लीजिए। दिस नॉट फॉर द गेम, दिस फॉर द फ्रेंडशिप। पॉइंट नंबर 4 पे लिखा है आप किसको बचाने के लिए अपना सीक्रेट रिवील कर रहे हैं, उसमें आप साइशा का नाम डाल दीजिए। जी।
was 6 years old, 6 saal ka hunga, 6 ya 7 saal ka. Usse leke 11 saal tak ke wo 4 ya 5 saal aise the jisme main sexually assault hua. Relatives do log the aur 4 5 saal tak wo continuously chalta raha. ये ऐसा था कि बहुत क्लोज फैमिली होती है और कभी कभी क्लोज फैमिली होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता. मुझे उस वक्त नहीं समझ आता था और वो 3-4 साल तक वो चला वो चीज. चौथे साल जब वो एक बार वो चीज बहुत एक्सट्रीम हो गई उस वक्त शायद उनको रियलाइज हुआ कि अभी उन्हें रुक जाना चाहिए. तो वहां पे वो चीज बंद हुई. मैंने ये चीज कभी किसी से शेयर नहीं करी क्योंकि आई हैव टू फेस देम. सब घर वालों को भी फेस करना है उनको और वो चीज बताने का कोई फायदा दिखा नहीं. मुझे एक बार फील हुआ था कि मेरे डैड को पता चल गया था. शायद मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट मुझे इतना याद है कि उस वक्त मेरे डैड ने मुझे कुछ डांटा और कुछ बोला. तो मुझे उस वक्त ये लग रहा था कि इनको पता चला या नहीं चला, बट अभी जब मैं सोचता हूँ, याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद उनको पता चल गया था. बट सेम जो मैं फील करता था कि ये चीज़ कैसे बता सकते किसी को, वो भी वही फील करते होंगे. बट मुनव्वर, इतने सारे बच्चे एवरी ईयर go through this kind of harassment और हमें कभी भी public platform पर हम लोग कोई भी ये चीज़ discuss नहीं करते हैं. हर कोई जो है वो inappropriately touch होता है बचपन में. ये experience सबका होता है, मेरा भी रहा है. हमारे town में अगर मैं I think बहुत छोटी थी तो मेरे से ही थोड़ी उम्र बड़ी उम्र का लड़का जो है तो he used to inappropriately touch me. लेकिन उस time मुझे पता नहीं था कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है. तो ये सब बच्चों को ये उनके थ्रू जाना पड़ता है, चाहे आप कितनी भी प्रोटेक्टिव फैमिली से क्यों ना आए. और दूसरी चीज़ जो आपने बहुत इम्पॉर्टेंट कही है कि उस चीज़ को शेयर करने से पहले आपको हमेशा ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप खुद उसके ज़िम्मेदार हैं अगर ये हादसा आपके साथ हुआ है. तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस होता है और ये एजुकेशन बच्चों को दी भी नहीं जा सकती है क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं. उनको आप एक एज पे सेक्सुअलाइज भी नहीं कर सकते हैं टू टेल देम द डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच. यू कैन नेवर रियली मेक देम टू अंडरस्टैंड. तो ये इतना बड़ा क्राइसिस है सोसाइटी का और इससे इतने सारे बच्चे जूझते हैं और साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं, हमेशा के लिए स्कार्ड हो जाते हैं उससे करके. उनको जो उनके यूथ में है आगे लेटर लाइव्स में कितने इश्यूज होते हैं, इट्स एंडलेस. तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं to bring about awareness about child abuse, sexual abuse. Munawar ने अपनी एक एक्सपीरियंस बताया, मैंने अपना बताया. इनका रिलेटिव के साथ था, हमारे मोहल्ले में एक छोटी उम्र का लड़का था लेकिन वो हमसे 3-4 साल बड़ा था. तो ऑब्वियसली ही वॉज एक्सप्लोरिंग हिज सेक्शुअलिटी. हम बच्चे बहुत छोटे छोटे थे तो हम लोगों को बुलाते थे, हमारे कपड़े उतारते थे और हमको चेक करते थे. हम 5-6 साल के थे तो हमें उस टाइम पर समझ नहीं आता था हमारे साथ क्या हो रहा है. लेकिन ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ी परसेंटेज बच्चों की है दैट गोज थ्रू दिस. एंड देर इज़ अ ह्यूज स्टिग्मा बिहाइंड दिस स्पेशली फॉर मेन. और लड़कों को बहुत ही ज़्यादा स्टिग्मा होता है इस चीज़ के लिए. एंड इट इज़ वेरी ब्रेव ऑफ यू मुनव्वर दैट आपने अपनी जो ये एक मैं इस चीज़ से हर्ट नहीं हूँ. ये चीज़ मेरे साथ है, मैं माफ़ करके बैठा हूँ, उनको भी माफ़ कर चुका. बट मैं इस चीज़ से हर्ट नहीं हूँ लेकिन इस चीज़ से मैं बहुत गुस्सा हूँ अपने आप से और बहुत गुस्सा करता हूँ. ये जो चीज़ है जो मेरे साथ है, मैंने आज तक 2 लोगों से शेयर किए लाइफ में जो मेरे सबसे क्लोज है, उनके साथ शेयर किए और उनका जो रिएक्शन था, मैं नहीं चाहता कि वो 2 लोगों के खिलाफ बाकी सबका भी वो रिएक्शन कभी आए. इसलिए कभी बात नहीं की फैमिली में या कहीं. बट ये चीज़ अंदर है और ये चीज़ नहीं जाती है. बहुत साल हो गए बट नहीं जाती. और सबसे बुरी बात ये होती है कि जैसे आपको बिकॉज वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको उनको फेस करना है और वो दे आर अराउंड और दे आर ऑल्सो
जो आई थिंक सबसे सबसे जिसे कहते हैं ना आयरॉनिक, ये होता है कि अगर वो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिसको आपने विश्वास किया हो, जो आपको यू नो चॉकलेट्स भी देंगे और जेन्युइन प्यार भी करेंगे, और फिर वो आपको इतनी तरह से हर्ट भी करते हैं और फिर उनका प्यार भी जेन्युइन है, तो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ इमोशंस इन यू कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं पेन, और एंड ऑब्वियसली देन वी कीप अट्रैक्टिंग पीपल हु लव्स टू यू नो काइंड ऑफ गिव पेन और साइकोलॉजिकल पेन और फिजिकल पेन, इसके करके जो हमारी पूरी जिंदगी की चॉइसेस हैं वो अफेक्ट होती हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड के लेटर लाइफ में भी ये चीज़ हमें हमेशा के लिए जो है वो फॉलो करती रहती है. तो द बेस्ट इज़ लाइक यू सेड टू टॉक अबाउट इट, टू गेट इट ऑफ योर चेस्ट एंड टू शेयर एंड टू नो एंड टू ऑल्सो ब्रिंग अवेयरनेस. और आपने मुझे अच्छा लगा आपने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया और आज आपके साथ मैंने भी अपनी ये कहानी बताई, क्योंकि हम लोगों ने मिलके जो ये अवेयरनेस ली है, तो जो अगर बाकी भी अपने आसपास बच्चों को देखते होंगे, जिस तरह से देखते होंगे, जिस तरह से परसीव करते होंगे, छः छः सात सात साल के बच्चों को हमको लगता है देख के बस हाँ ये गुड़िया से खेलते हैं और ये सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, वैसा नहीं है, उनकी और भी इंट्रैक्शंस होती हैं. एंड हाउ टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एंड हाउ टू परसीव दिस, वी कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म लाइक दिस. व्हाट आई गेन फ्रॉम दिस, लाइक मैं बहन के बच्चे जो है छोटे हैं, मेरी पूरी जो फैमिलीज है उसमें नहीं नहीं टोटल सब मिला के 10-12 बच्चे हैं, तो वो जो उनकी जो एज थी ना, मैंने ऑलवेज उनको अपनी आँखों से प्रोटेक्ट किया है कि वो किससे मिल रहे, किसके पास जा रहे. अगर हम ट्रेन में भी कहीं जा रहे तो कोई अंकल का मुझे वो फील हो जाता है कि वो अगर वो बोल रहा है, कह रही हो कितनी अच्छी बच्ची है, उसको गोद पे खिला रहा है, तो आई कैन सी दैट. और ये सोसाइटी में बहुत ईजीली दिख जाता है कहीं पर भी, तो मैंने हमेशा वो चीज़ उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की कि किसके साथ बैठ रहे, किसके साथ वो कर रहे. मुनव्वर, आई होप कि आप आगे चल के इस चीज़ को यू टेक अप इन अ बिग वे, नॉट लिमिटेड टू योर फैमिली ओनली. आई होप यू टेक इट इन सच अ बिग वे कि आप इसको पूरा नेशनल लेवल पे लेके जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं. बहुत सारे बच्चे हैं जिनके, जैसे आपने कहा, जिनके माँ बाप के साथ ये हादसा नहीं हुआ, जैसे आपको के साथ नहीं हुआ था, तो कोई भी ले जाए बच्चों को खिलाने के लिए, उसमें क्या है. हम लोगों के माँ बाप भी वैसे ही बिहेव करते थे, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है. सो इस तरह का अवेयरनेस लाना, इस तरह की बातें करना, इट गिव्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. और सायशा, आपका क्या कहना है? मैं एक्चुअली जब इसने ये बात बताई, मेरी जो फर्स्ट सीक्रेट थी वो भी यही थी. और जब आपने अभी कुछ बात बोली और इसने जो कुछ बातें बोली मुझसे, मुझे वो चीज़ें याद आई कि जब मैंने जिन 2-3 लोगों को बताया भी था, उनके वजह से स्टिग्मा और बढ़ा कि दिस इज़ वाई यू आर प्रोमिस्क्यूअस, दिस इज़ वाई यू आर गे, दिस इज़ वाई यू आर मोर इनटू सेक्स, दिस इज़. तो फिर उसके बाद किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि जो भी मैं करूँ वो उसी से एसोसिएट होता था कि इसी के वजह से तुझे लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद है, इसी के वजह से ये है, इसी के वजह से वो है. तो वो जो स्टिग्मा है वो जब हम बात करेंगे तो ही खत्म होगा. एंड आई ऑब्वियसली आई एम सो प्राउड टुडे टू से दैट ही इज माय फ्रेंड. यू केम हियर फॉर मुनव्वर, यू आर प्राउड टू से. एंड आई आल्सो सॉ के जो आपकी फ्रेंडशिप है और जो मुनव्वर के आपके लिए इमोशन है और जिस तरह से ही स्टूड बाय यू, डेफिनेटली देर इज जेन्युइननेस इन दैट. और देर आर नो रूल्स, लाइक आई सेड, बैड एस कोई भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है. अगर आप दोस्ती करके गेम से ज़्यादा पाकर निकलते हैं, then who are we to judge that, right? Congratulations, Sasha. Thank Munawar you. Munawar ने अपना secret share करके आपको save कर लिया है और अपना secret पूरी दुनिया के साथ share करके इन्होंने अपने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, बहुत सारे लोग जो इनके साथ identify करते हैं और इनके दर्द में इनके साथ हैं, उनको भी इन्होंने एक intimacy और एक sense of friendship दी है. So Munawar, thank you for sharing your secret. Thank you. आपने शायशा के लिए दोस्ती तो निभा ली, लेकिन आप अभी भी अनसेफ हैं. Yes, I am. Thank you. आप अपने दोनों सीक्रेट्स खत्म कर चुके हैं. Yes. आप सभी सोचिए कि कौन होगा आज मेरे लॉकअप से लॉकआउट. आई विल बी बैक. थैंक यू. तू स्ट्रॉन्ग बोल रहे रे. देख, उसने यहाँ पे तूने कर दिया मेरे को. तो दोस्ती है, ठीक है. यही मैं दोस्तों को स्निचिंग करता भाई कभी, वो तो सबको पता है. इसलिए मैं हर्ट हुआ. मैं तुझे क्या बोला था कि तू अगर मुझे कोई पूछेगा मेरा फेवरेट कौन है, तो मैं कौन है मेरा फेवरेट. मैं इसीलिए हर्ट हुआ था भाई, मैंने जो रिएक्ट किया था. मैंने तो कहा था ना कि तेरा रिएक्ट होना गलत नहीं है,
और मैंने कहा था कि वो भी गलत नहीं है ना, तो मैंने तो कभी गलत बोला ही नहीं इस में, और तेरी तेरे तू जितना जेन्युइन है मुझे पता है इस घर में कोई और नहीं होगा. थैंक यू भाई. I'm so proud कि तू मुझे फॉलो करता है. मैं इससे ज़्यादा प्राउड नहीं फील कर सकता कि तेरे जैसे लोग भी मुझे फॉलो करते हैं. फुल पावर फारूक जी. What you just did for me, and you didn't even ask twice. I always so genuine. You didn't even ask twice. So genuine here. But Anjali did. What I should have? I'm so sorry, I would have done this for you. I would have done this for you as well. I know that. It's a game. I would have done this to me for Munawar. I would have done this for Anjali. I would have done it for him in a split second. ऐसा पूछने की भी पूछने की भी जरूरत वैसे ही उसने भी किया. रुक मैं करती हूँ. उसने भी वैसे ही किया, पूछने की जरूरत ही नहीं. जेन्युइन है मैं ऐसा. और एक पर्सनल बात बताऊँ आपको, एज अ गेम पॉइंट ऑफ व्यू मैं क्या सोचती हूँ कि मुनव्वर जितना अपने चट्टे बट्टे को कंट्रोल में रखेगा उतना हमारा फायदा है. क्योंकि उनके इंडिविजुअल गेम नहीं दिखेगी और हम आगे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे. मुनव्वर सबको कंट्रोल में रखेगा और मुनव्वर की छत्र छाया में रहेंगे. इसके दोस्त यहाँ वहाँ हो गए, इसकी फटी तो है ऑब्वियसली, डरा है ये बहुत जोर, मतलब खतरनाक. बट अभी ये अपनी दोस्ती धोना किया है सबके साथ हुआ है. आई नो, इसीलिए तो मैं लाइक रोना क्यों नहीं आ रहा, बहुत रोने का मन कर रहा है. बट ये चीज़ ने मुझे हर्ट करने से ज़्यादा गुस्सा दिलाया ना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था ना कोई ना गुजरे इस चीज़ से. I didn't even have to convince you. You don't have to. तुम किसी के राज छुपाओगे ना तो अल्लाह तुम्हारे राज छुपाएगा. मैंने उनका नाम नहीं दिया, मेरा ये राज छुपाना ही था. बट मैंने अपना राज नहीं छुपाया, मैंने अपना राज बता दिया. मेरे को पता नहीं अल्लाह मैंने सही क्या गलत किया, वो माफ करना अगर मैंने कुछ गलत किया. कुछ गलत नहीं किया, यही था बस लाइफ की दो चीजें थी. कह दी अपना एक ग्रुप बनाने के लिए सायशा और अंजलि दोनों को फिर से अपने कंट्रोल में लेने के लिए ये कर रहा है, ये गेम खेल रहा है. इसमें वो कंट्रोल में करो या कुछ भी करो, वी डोंट केयर. उनकी गेम तुम अपने खुद दोस्तों की गेम वीक कर रहे हो और उसके खुद दोस्त शाइन नहीं करना चाहते. कितनी बुरी चीज है, यू नीड टू बी अ सेलिब्रिटी. You need to be someone to share this. Yep. This is fucked up. आज से चार साल पहले मेरे में ये बताने की हिम्मत नहीं होती. जब मैं नॉर्मली जॉब कर रहा होता ना 9 to 5, तब मैं ये क्या मुंह से बताता लोगों को और मुझे लोग कैसे वो करते. मुनव्वर, अंजलि और आजमा, आप हैं अगले राउंड में, बाहर आके खड़े हो जाइए. द नेक्स्ट राउंड इज जजमेंटल जनता. ये जो कैमराज हैं ना पूरी जेल में, ये सिर्फ कैमराज नहीं है, ये जनता की आंखें हैं. लाखों आंखें, करोड़ों आंखें. आप जो भी कहते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी करते हो, आपके हर एक एक्शन को जनता पसंद या नापसंद करती है. जो आप कहते हो और जो आप नहीं भी कहते हो, वो सब जनता समझ लेती है. बॉटम लाइन इज कि ये जनता है, ये सब जानती है. जनता प्यार देती है, सुपरस्टार भी बनाती है और वक्त आने पर अकल ठिकाने भी लगाती है. हफ्ते के बीच में कई लोगों को लग रहा था कि करणवीर को पायल और अली से ज्यादा वोट्स या पॉपुलैरिटी मिल रही है. अली को भी पता नहीं था कि उसको इतने वोट्स मिलेंगे, लेकिन जनता ने अपना जजमेंट दिया और करणवीर लॉकअप से लॉकआउट हो गया. और आज फिर जजमेंटल जनता करेगी आप लोगों का फैसला. वैसे तो जजमेंटल जनता काफी अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है, फिर भी हम अपना जो रेगुलर रिचुअल है वो करेंगे. आपसे पूछूंगी कि किसको मिले होंगे सबसे ज्यादा वोट्स. सायशा, आई फील विदाउट अ डाउट मुनव्वर, क्योंकि जो एक हफ्ता में बाहर थी तभी भी मैंने देखा कि उसके लिए कितना प्यार है जनता में. उसकी एक हैशटैग है मुनव्वर की जनता, तो मुझे पता है कि मुनव्वर की जनता उसको बचा लेगी. प्रिंस, मैम मुनव्वर. शिवम, मैम मुझे भी
क्योंकि उनका गेम प्ले अच्छा है. थोड़ी छोटी मोटी गलतियां तो कर ही देता है कोई ना कोई बड़ा प्लेयर. तो कोई नहीं, उसको जो फैंस उनको स्टार्टिंग से चाह रहे हैं वो मुझे लगता है उनको आखिरी दम तक सपोर्ट करेंगे और बस यही है. पायल, मुझे लगता है ये हफ्ते आजमा को हाईएस्ट वोटिंग आए होंगे बिकॉज आजमा एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में थी, जो सिचुएशन की वजह से हमने देखा क्या रिपरकशंस हुए. तो मुझे लगता है जनता को आजमा ने जिस प्रकार से अपना फ्रंट होल्ड किया और बाकी दो लोग जो उनके साथ खड़े हैं चार्जशीट में, उन्होंने आजमा का साथ नहीं दिया. इनफैक्ट वो जिशान के साथ खड़े थे. तो मुझे लगता है आजमा को हाईएस्ट वोटिंग आए होंगे बिकॉज शी स्टूड हर ग्राउंड. एंड आपके साथ अभी जो वार्तालाप हुई उससे पता चला कि इंटरप्रिटेशंस को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, जहां पर जेलर साहब को भी लगा कि आजमा ने हद क्रॉस करी, जबकि आजमा का जो भी स्टेटमेंट था उसकी डबल मीनिंग हो सकते थे. अली, मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं शायद आजमा को ज़्यादा वोट्स मिले होंगे क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके एक कैदी बाहर चला गया था तो, और जनता ने भी आजमा को काफ़ी सपोर्ट किया है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आजमा को ज़्यादा वोट्स मिले होंगे ये वीक. पूनम मैम, मुनव्वर और अंजलि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैदीज हैं, लेकिन पर्सनली इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि आजमा को इस हफ्ते बहुत ज़्यादा वोट्स आए. वेल, आजमा ने डेफिनेटली अच्छा खेला है. शी नेवर क्रॉस द लाइन एंड एवरीथिंग. और अंजलि इज ऑल्सो वन ऑफ द हाइएस्ट वोटेड. लेकिन इस हफ्ते जिसका गेम बहुत ही अच्छा लगा लोगों को और जिसने लोगों का बहुत ज़्यादा दिल जीता है वो है मुनव्वर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. प्लीज टेक योर सीट. और बाकी जो बॉटम टू में जो कैदीज थे, अली और पूनम, आ जाइए. तो अंजलि, आपको मैं बता दूं कि यू आर ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट वोटेड कैदीज, लेकिन आप में और अली के वोट्स में सरप्राइजिंगली 19-20 का फर्क है. तो आप लोग देख रहे हैं जो आप भाईचारे में एक दूसरे को कहते हैं, अब मेरे फैंस को कि इनके लिए वोट करें, उसके लिए वोट करें, जो आप लोग जेल में ये करते हैं, तो वो सच में ही जनता बहुत सीरियसली ले रही है. अब मैं आप लोगों में से जानना चाहती हूँ कि इन चारों में से किसका टाइम अप हो गया है. टाइम अप तो समझ आता ही होगा, पर समझा देते हैं. गार्ड्स, तो जब किसी का टाइम अप होता है तो उसका वक्त खराब हो जाता है. तो यहां है आपके पास घड़ियां और सब कैदियों की पिक्चर्स. आपको ये सेफ्टी ग्लेयर पहनना है क्योंकि कांच उड़ सकता है. ये सबके लिए अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग द चार्ज शीट कैदीज. एक पिक्चर उठाएगा उस कैदी की जिसका टाइम इज अप, और घड़ी पर रखकर हथौड़े से उसको मारेगा और रीजन भी बताएगा. शिवम, घड़ियों में देखना जरा क्या टाइम है. घड़ियों में टाइम हो रहा है 12 बज गए मैम, सबके 12 बजे पड़े. यही सबकी हालत है, अब फाइनल्स तक यही हालत रहने वाली है. लेट्स स्टार्ट. अंजलि, पहले फोटो चिपकाइए. फोटो चिपका घड़ी के ऊपर. ग्लेयर्स पहनिए. फोटो चिपका. मैम, रीज़न ये कि पूनम खुद घर जाना चाहती है और वो हर टास्क में गिव अप कर रही हैं कि लाइक मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मेरी बॉडी ठीक नहीं है. और वो मेंटली भी थोड़ा ठीक वो कह रही हैं कि वो गिव अप कर रही हैं. सो इसीलिए कि जब आपको लगता है कि पूनम टाइम इज अप. या ओके, सो देन डू द डीड. ओके, नेक्स्ट पूनम आप बताइए. आ,
मैं अली का नाम लेने वाली थी, लेकिन अब जब मुझे पता चला इनको इतने वोट्स आ रहे हैं तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी. I'd rather take my own picture. I cannot. If I cannot, then I would take Anjali's photo. Because दोस्त अच्छी अच्छा खेल रही है, लेकिन इसको अब इसका प्रॉब्लम है कि इसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है. खुद का दिमाग खुद का वो नहीं करती और सबसे मीठी बन के वो करी. अगर इसके सारे हाथ काट दिए जाए तो दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू सी यू प्ले. सो या संजय आसमा सॉरी मैं अंजलि की फोटो लूंगी क्योंकि हमेशा इसको हाईएस्ट वोट्स आते हैं तो शायद इस बार लोवेस्ट वोट्स में अली और अंजलि का कंपटीशन हुआ होगा क्योंकि मैं सब कुछ पॉजिटिव वे में लेती हूँ इसीलिए अंजलि का टाइम अप हो चुका है क्योंकि गेम में जैसे मैंने देखा उसने मुनव्वर के ब्रिक्स लगा दिए और जैसे ही मुनव्वर का रिएक्शन निकला तो प्रिंस के पास जाके बोलती है प्लीज़ हेलमेट लगाना प्लीज़ हेलमेट लगाना तो ये डबल ढोल की टाइप से तो इसको ऐसे डबल ढोलकियों को बाहर निकल जाना चाहिए. अली आप ही कर दो. मैं पूनम का नाम लेता हूँ क्योंकि पूनम खुद ही काफी टाइम 2-3 दिनों से गिव अप कर चुकी है और वो एटीट्यूड मुझे सही नहीं लगता है और यहाँ पर भी उसने अपना ही फोटो सबसे पहले डाल दिया है तो मुझे लगता है कि हर टाइम इज अप. शिवम और ग्लव्स पहन लीजिए जी फॉर सेफ्टी रीजंस. मैं पूनम जी का नाम लेना चाहूँगा क्योंकि वो जैसा कि अभी वो खुद ही अपनी फ़ोटो चिपका रही थी इस घड़ी पर और उनका मन भी नहीं लग रहा है उनकी तबीयत भी ख़राब रह रही है और बाकी ये जो अली भाई जो यहाँ पर है ये इनका मन है यहाँ पर रहने का बहुत फोकस से गेम खेल रहे हैं इनकी गेम डे टू डे इम्प्रूव होती जा रही है और मैं इनको अपना कॉम्पिटिटर देख रहा हूँ आने वाले दिनों में और आजमा भी एंटरटेनमेंट पैकेज है पटाखा है एंड इरीटेटिंग एंड एंटरटेनिंग बोथ एट द सेम टाइम और अंजलि की गेम भी अच्छी है वो स्ट्रॉन्ग है मैं चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग बंदे भी रहे अकेले भागे तो फिर क्या रेस में जीते तो क्या मजा आएगा इसलिए पूनम जी गो बैक होम लव यू टेक केयर बाय बाय. टास्क है प्लेट लाइक अ टास्क. प्रिंस मैं पूनम का नाम लूंगा. रीज़न आई थिंक देने की ज़रूरत नहीं है. अभी आपने पूनम को इतना समझाया था उसके बाद भी उन्होंने अपनी फ़ोटो उठाई तो अगर वो खुद की फ़ोटो उठा रहे हैं तो वो अभी इस वक्त डिज़र्व नहीं करते इस शो में रहना. मुनव्वर मैम चश्मा पहन लूँ. पूनम की फ़ोटो पूनम का टाइम अप ऐसा फील आता है. इसका रीज़न ये है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन थी 2 हफ्ते पहले तक बट अचानक से एक ऑफ आ चुका है. गिव अप करने का एक 2-4 बार कोई इंसान बोल सकता है कि यार मेरा हो गया मैं जाना चाहता हूँ लेकिन उसने बहुत ज़्यादा बार बोल दिया है और वो गेम में भी दिख नहीं रहा है. मतलब कुछ नया देखने नहीं मिला कि उसका गेम इम्प्रूव नहीं हुआ. शी वॉज स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग बट बाकी सब जो आसपास के लोग थे वो स्ट्रांग नहीं थे बहुत वीक थे इसलिए पूनम दिख रही थी पहले 4-5 हफ्ते तक. जैसे ही वो आसपास वाले जो थे उनका गेम जैसे ही अप हुआ पूनम वहीं की वहीं रुकी रही. तो अभी जो वहाँ रुके रहने की वजह से मुझे लगता है कि अभी शी डोंट डिजर्व टू बी हियर अली आजमा एंड अंजलि डू. साशा आई ऑल्सो एम गोना गो विथ पूनम. पहले मैं अली को चूज़ करने वाली थी
लेकिन जब केवी एलिमिनेट हुए और अली बच गए तब मुझे पता चला कि जनता की जो ताकत है वो हर तरह के गेम देखना चाहती है और अली का जो गेम है वो उसका यूनिक गेम है और मैंने लास्ट जो एक टास्क आया था लॉकअप ग्राम वाला उसमें ये भी कहा था कि अली को मैं नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि उसका गेम इम्प्रूव हो रहा है काफ़ी हद तक तो इसलिए मैं अली को ना देते हुए पूनम को देना चाहती हूँ क्योंकि पूनम ने गिव अप तो कर ही दिया है बट आई फील शी इज़ ऑल्सो मिसिंग हर डॉग्स एंड शी इज़ मिसिंग एवरी वन एंड आई डोंट वॉन्ट टू सी माई फ्रेंड सैड एज वेल तो आई लव यू पूनम माई नेम इज़ अंजलि मुझे इन लोगों की दोस्ती समझ नहीं पड़ती ये लोग दोस्त हो के आई लव यू करते हैं और एक दूसरे का टाइम अप करने के लिए घड़ी मारते हैं तो ऐसी दोस्ती से दुश्मनी बेटर है मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये औरत भी ऑब्वियसली बहुत नर्वस थी जब तक आपने उनको काला पानी की सज़ा नहीं दी शी वॉज ऑल्सो स्केर्ड कि वो भी जाने वाली थी क्योंकि इस हफ्ते उसने जो गेम खेलने का प्रयास किया वो आधा अधूरा गेम था और वो गेम के गिल्ट में उसने इतने सॉरी बोले कि उसको समझ नहीं पड़ रहा था कि वो इधर बजे कि उधर बजे शी वॉज वेरी कन्फ्यूज विद योर रिएक्शंस एंड योर एडवाइस दैट वुड कम विद द स्टार्ट ऑफ द जजमेंट डे बट जैसे ही उसको पता चला कि उसको काला पानी की सज़ा मिली है उसको कन्फर्मेशन हो गया कि वो शो से नहीं निकलने वाली एंड देयर वॉज दिस एनर्जी लेवल इन हर प्लीज लेट मी टॉक सो मेरे अनुसार ये लड़की का गेम अप टाइम अप होना चाहिए आज आई डोंट नो द जजमेंट आई डोंट नो द फैसला बट अकॉर्डिंग टू मी दिस प्लेयर ट्राइड टू प्ले इंडिविजुअल फेल्ड वेरी बैडली एंड फॉर मी दैट इज अ वेरी वेरी सैड एग्जाम्पल ऑफ एनी कैदी इन दिस जेल बिकॉज अभी तक आप छत्र छाया में चल रहे थे और जैसे ही आपने खुद खेलने की कोशिश करी आपने रियलाइज किया कि आप नहीं खेल सकते और आप वापस यू टर्न मार के छत्र छाया के अंदर आ गए हैं एंड शी वॉज रियली नर्वस बिफोर यू आर काला पानी सजा केम इन अब ऑब्वियसली शी फील्स कॉन्फिडेंट कि उसका गेम अप नहीं हुआ है बिकॉज शी इज गॉट काला पानी मेरे अनुसार इस गेम में इस समय इसका गेम अप होना चाहिए क्योंकि जो इंसान मुंजली पर इतना ड्रामा कर सकता है वो खुद तीन हफ्ते पहले अपना एक सोलो स्टैंड खेल गया जिसकी वजह से वो मुंजली डजंट मेक एनी सेंस टू मी चाहे वो प्यार था चाहे वो दोस्ती थी जिसके नाम से जिस कप की भावनाओं पे पायल के ऊपर इतना अटैक हुआ वो भावनाएं नकली थी तो मेरे लिए इस शो में नकली इंसान की कोई जगह नहीं है हर टाइम शुड बी अप आप लोगों ने तो बता दिया आपके हिसाब से किसका टाइम इज अप आई विल टेल यू इन अ व्हाइल मुबारक थैंक यू ये हां तू रुकेगी और फिर अब तू वाट लगाएगी सोलो ठीक है ना समझ गई अभी अप करने का टाइम अप करने का टाइम है अभी डाउन करने का टाइम नहीं डाउन होने का भी टाइम नहीं अगर हुई ना अगर हुई ना तो नेक्स्ट वीक तो पक्का इतना खुद पे भरोसा होना चाहिए कि भाई कोई बात नहीं लोएस्ट तो नहीं आएंगे वोट में अभी 19-20 में मतलब समझ रही है स्कूल के 5 लाख आया तो 6 लाख आया तो वो 19-20 ही बोल तो अभी भी 6 लाख होगा तो वैसा हमेशा सोचना है कुछ नहीं गेम खेलो बढ़िया आई स्टिल डोंट थिंक कि तू डिजर्व करती है जाना शी डजंट डिजर्व टू गो अली डिजर्व्स टू गो मैं यही बोल रही हूं बट देन अली के वोट्स भी ऐसे आ रहे हैं प्लस इसका गिव अप का चांस उसको बोले अंजलि और अली के वोट में 19-20 का फर्क है क्या पता अंजलि को कम वोट्स आए कम हो बराबर पूनम के हाईएस्ट वोट हो बराबर बट पूनम का खुद का ही ये हो गया अंजलि और अली में 19-20 हो तो मैं सारी चीजें पॉजिटिव मैं तुझे क्या बोल रही थी टिल द जजमेंट डे इज ओवर डोंट डू द गिव अप गेम इट गिव्स एवरीवन अ रीजन टू ब्रेक योर क्लॉक हां देखना व्हाटएवर अगर तू रुकती भी आज के दिन तो तू ये नहीं नाटक नहीं करना है क्योंकि सेमीफाइनल है और मैं भी क्या पागल हूं देखना सब सच सच बोल देती हूं एंड आई नो दैट कंगना मैम डजंट लाइक इट यप शी फकिंग हेट्स इट और मैंने वही काम किया पूनम पांडे शायद अभी भी अपना स्टैंड लेकर धीरे धीरे ये लास्ट हफ्ते में शाइन कर सकती है मगर अंजलि अरोरा ने जो स्टैंड लिया वो स्टैंड लेकर उल्टे पाँव वापस चली गई तो ये औरत आगे कभी भी कोई स्टैंड नहीं लेगी ये जो नकली मुंजली का ड्रामा बेच रही थी वो नकली मुंजली का ड्रामा लोगों के सामने आ गया है तो वो एक उस घर के कुत्ते की तरह है जो ना घर का है ना घाट का दोस्ती कैसे होती है अभी तुमने जो साइशा के लिए किया तो बाहर की जनता को दिखेगा मुझे तो लगता है इसको भी कर देना चाहिए दोस्त हैं है ना दोस्ती के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साइशा को मना नहीं किया मैंने कहा पूछ उसने ये बोला कि हाँ कर दिया और उसने कर दिया बोला कि दोनों को पूछ ले अगर वो ठीक है
पर वो फिर भी अपसेट है कि हाँ तूने ये चीज़ बोली कि पूछ। हाँ तो आना नहीं। अब देखो किसी का हर्ट होने का, मैंने वो बोला जैसे मुनावर हुसैन हर्ट हुआ, आप ये नहीं सोच सकते इंसान को हर्ट लगने का, हर्ट होने का वो हक नहीं है, सबके अपने रीज़न होते हैं। आपने अपने रीज़न बताए, आपने बोला वैसे ही आपका मन था। यकीन मान, तू यकीन मान, मैं ना दोस्तों के लिए ये इंसान हूँ लाइफ में, समझ रही। वो मुरवत आ जाती कि मैं अगर इसको मना कर देता ना, नहीं मैं अपना सीक्रेट नहीं देता, तो मैं सो भी नहीं पाता, क्योंकि मैं दोस्तों के लिए खड़ा रहता। रीज़न मेरे को उस दिन हर्ट हुआ था, वही रीज़न भी सोच रही होगी, इंक्लूडिंग मेरी फैमिली। मतलब वो ये लड़की आज तक गिव अप नहीं की, ये लड़की आज तक इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये बंदी के मुँह से ऐसे क्यों, ये मेरी फैमिली अभी सोच रही होगी। Which is why I said, till the judgment fucking day is over, don't say the word. मैंने क्यों इधर सब लोग को सच बोला, अभी उन लोगों ने मेरा ही सच बना दिया। क्या? मैंने बोला। But then what do you expect? मैं भूल जाती हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए इसी चीज़। But वो सच है ना? क्योंकि मुनव्वर मुझे बोलता है उस दिन, मेरे को बोलता है कि पांचवें हफ्ते से तेरा गेम ओके था, बाकी सब ठीक नहीं खेल रहे थे, इसके लिए अभी सबका गेम अच्छा हो गया, पर तू उधर की उधर ही है। ये सच नहीं है पूनम, तुझे बाकियों के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। Do you think I've never played strong? That's bull crap, no? Listen, that is such a fucking crap. देखो लिसन, आपकी दोस्ती आपको मुबारक, मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगी, आई फेल्ट दैट यू कुड स्टार्ट टेकिंग योर स्टैंड्स व्हेन योर सुपर फैन केम एंड गेव यू एन हेड्स अप, बट फॉर मी स्टिल योर टाइम इज़ नॉट अप, बिकॉज आई कैन सी अ डिफरेंट शेड टू यू, एटलीस्ट मेकिंग एन एफर्ट, दैट पर्सन हैज़ टेकन अ स्टैंड, टेकन अ यू टर्न, फॉर मी नथिंग लेफ्ट इन द गेम। सब अपनी जगहों पर आ जाइए, और जो बॉटम में है वो साइड में खड़े हो जाइए। तो जैसे कि आपके को कैदियों ने सबने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, और मैक्सिमम लोगों का यही मानना है कि पूनम का टाइम इज अप। लेकिन पूनम, यस मैम, मेरा ये मानना नहीं है। इनफैक्ट शो में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी यही मानना है कि पूनम का टाइम इज अप। लेकिन समहाउ आई फील, जैसे मैंने आपको शुरू से देखा है, एंड द वे यू हैव बीन इन द शो, जिस तरह से आपने खेला है और आपका एक डल फेज आया है, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, क्योंकि आपकी मेडिकल कंडीशन है वो मैं उसकी राइट जज नहीं हूँ, क्या आप अंदर से फील कर रही हैं, आप जाना चाह रही हैं, आपने इस शो को कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स भी दिए हैं, इंटरनेट ब्रेकिंग मोमेंट्स भी दिए हैं, आई विल नेवर कंसिडर यू अ फेलियर, ऑल राइट, सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, अगर आप में है, आप अपने आप को दूसरा चांस देना चाहती हैं, तो आई वुड वॉन्ट टू सपोर्ट यू, लेकिन अगर सब की तरह आपने खुद पे गिव अप कर दिया है, तो देन आई हैव नथिंग टू से। नहीं मैम, मैं अपने आप को दूसरा चांस देना चाहूँगी। वेल डन। तो पूनम, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि यू आर नॉट समबडी हु विल कम टू जो भी आपके फिजिकल चैलेंजेस हैं, यू आर अ यंग वोमन, और आप पायल से कुछ योगा क्लासेस लीजिए, सुबह सुबह उठ के योगा कीजिए और अपने शरीर के विकारों को निकालिए। देखिए, मुझे लगता है कि हर एक का डल फेज आता है, और इस शो में कईयों को दूसरा मौका मिला है, राइट? व्हाट यू ब्रिंग टू द शो, आपने शो को क्या दिया है, मेरे लिए वो मायने रखता है। उसके आधार पर कईयों को दूसरा मौका मिला है, जिसमें से चाहे शायशा हो, चाहे केवी हो, मुनव्वर का भी डल फेज आया था, पायल का भी डल फेज रहा है, बहुत सारे लोगों को मौका मिला है। इसके करके मैं पर्सनली तुम्हें मौका देना चाहती हूँ। आने वाला हफ्ता बहुत ही मुश्किल होने वाला है, और आपको पार्टिसिपेट करना होगा गेम्स में भी और सब तरह के टास्क में भी। यस, यू नो, यस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एक हफ्ते का लाइसेंस मिल जाता है, ये आपको कभी भी मैं काम में बिजी होंगी और बेनकाब जोन में भेज देंगे, है ना?
Yes. आपको इन सब को wrong prove करना है कि आपका time up नहीं हुआ है. Yes. जैसे मैंने कहा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है. और मेरे हिसाब से जिसका time up हुआ है वो है अली. आप खुद से पूछिए. मैं ऐसे कई मोमेंट्स गिना सकती हूँ, इंटरनेट ब्रेकिंग मोमेंट्स गिना सकती हूँ जो पूनम ने शो को दिए हैं. जब से आप आए हैं शो में आपने शो को क्या दिया है? आपका सिर्फ हार्मलेस हो जाना, कैदियों का फेवरेट हो जाना या किसी को एज कंपटीशन नहीं दिखना, तो सबका लिस्ट जो टारगेटेबल इंडिविजुअल बन के रहना मेरे लिए मायने नहीं रखता. आप टास्क अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा जीवन अपना चला हुआ है वहाँ पे आपका मस्त, वो भी मेरे लिए मायने नहीं रखता. मेरे लिए ये मायने रखता है कि आप कितने एंगेजिंग हैं मेरे लिए इंडिविजुअली. ऑल राइट. और मैं आपसे बिल्कुल भी एंगेज्ड नहीं हूँ. वेल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है और काफ़ी लोगों को ये लगता है तो मे बी दैट इज़ ट्रू. और मेरा हमेशा से यही मानना है कि खुदा ने छोटे बच्चों में बहुत सारी खूबियाँ डाली है. जैसे वो बड़े लविंग होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, उनमें नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होता है, कोई ईगो नहीं होता है. अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड दे बिकम फ्रेंड्स. तो वो सारी खूबियों के साथ मैं हमेशा आगे बढ़ना चाहता हूँ. यू नो, आई माइट नॉट बी दैट बैड एस, बट आई थिंक आई एम अ गुड एस एंड आई एम अ गुड गाय. You know, और मैंने हमेशा जो भी चीजें की है सही इंटेंशन से और सही तरह से की है. इज व्हाट आई फील. आई माइट, दैट माइट नॉट बी एंगेजिंग प्रोबेबली, दैट आई विल नॉट डिनाई. यू आर डेफिनेटली अ गुड गाय. एंड शुरुआत में मैंने कहा था कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का रास्ता. और यहाँ आना और इतने टाइम तक रहना, तो मुझे मेरा वो रास्ता मिल गया है और वही सही रास्ता है. और उसके बाद हर बार शो में भी रिडीम और रिडेम्पशन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. तो आई एम वेरी श्योर दैट दैट इज़ द राइट पाथ दैट एवरीबडी शुड वॉक थ्रू. इसलिए सीक्रेट्स होते हैं, इसलिए लोग अपनी गलतियां मानते हैं ताकि वो अपनी गलतियों को दोहराए नहीं इन सच अ ह्यूज प्लेटफॉर्म. सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. अली, जब आप आए थे तो मुझे नहीं लगा था आप एक वीक भी लास्ट करेंगे, लेकिन अब देखिए आपने कितनी ज़्यादा सबको रॉन्ग प्रूव करते हुए हाउ लॉन्ग यू लास्टेड. जी, पर लाइक आई सेड, अब बहुत अच्छे से अच्छे प्लेयर्स भी बाहर जाएंगे. सो इफ आई हैव टू मेक द चॉइस बिटवीन यू एंड पूनम, फॉर मी आई विल लॉक यू आउट. यू हैव 2 मिनट्स टू से बाय. जाने से पहले एक रैप मैंने लिखा है जो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर. आंदो. उसका नाम है तकदीर. तकदीर वो कुछ ऐसे जाता है, आपके सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा. बचपन से आज तक एक ही बात सीखा हो, जिंदगी के ऊपर बातें सब लिखा हो, झूठी वाली बातें बिखरते देखा हो, मेरी वाली बारी के लिए मैं रुका हो. बाबू शोना मैं सिर्फ मम्मी से सुनता था, मम्मी की पल्लू पकड़ के मैं घूमता था, माँ की वो प्यारे गानों पे झूमता था, माँ की लोरियों को बचपन में सोता था. इमारत से बंजर तक, दोस्ती से खंजर तक, इंसान से बंजर तक, जानवर से हंटर तक, सक्सेस से स्ट्रगल तक, गले से पीछे तक, लड़की से कैंडी तक, दूध से ब्रांडी तक, यही मेरी जिंदगी की छोटी सी कहानी है. तकदीर मुझे बस लॉकआउट से लॉकअप से बनानी है, बड़ा हो के दिल को हुआ तकलीफ, मुझे खुद को बचपन में ले जानी है. बचपन में थोड़ा सा नटखट, जवानी में थोड़ा सा लटपट, कभी बढ़ना था मुझे फटफट, अभी सोचता हूँ बस भाई मत कर. बचपन में थोड़ा सा नटखट, जवानी में थोड़ा सा लटपट, कभी बढ़ना था मुझे फटफट, अभी सोचता हूँ बस भाई मत कर. क्या बात है, क्या बात अली भाई, बहुत बहुत बेहतरीन अली. So please say bye to everyone. And thank you Kangana, thank you MX player ALTT Balaji. 12 सालों बाद मुझे इतना बड़ा मौका मिला है यहाँ पर आने का, and it's a perfect comeback for me into the world of acting. And I wish you all the best, Ali. Yes, thank you, baby sister. ख्याल रख अपना. आग लगा देना. बाहर जाके मिलेंगे 100%. मतलब लॉकअप का फेवरेट बंदा तुम्हारा, मैं फेवरेट हूँ. मिलते पार्टी करते हैं भाई, इंशाल्लाह.
वाइल्ड कार्ड आग लगाना देखो ठीक है नम एक बार बोल ना अली यू अमेजिंग अमेजिंग भाई थैंक यू आई एम सॉरी थैंक यू फॉर बीइंग देयर शाहरुख जिंक्स तोड़ दिया ना मैं हर हफ्ते बोलते थे कि ये हफ्ते अली जाएगा अली जाएगा अली जाएगा चार हफ्ते से बच रहे हैं मैं दो दिन से बोल रहा अली तेरे को कोई छू भी नहीं सकता तू जा ही नहीं सकता उल्टा हो गया तू तो फिनाले वाला आइटम है मैं कब से बोल रहा था ताकि ये जाए पर मैं सच में खुश हुए जा रहा हूं नाइस फ्यू आई मीन आंटी आई एम सो सॉरी इफ एनीथिंग दैट हैज हर्ट यू आई मीन इट यू नो दैट्स नॉट मी एंड न्यूज में द बेस्ट कन्वर्सेशन Don't call me cutter ever, okay? Never. You have what it takes to win this show. Trust me. We are here because of you. Listen. See you guys. See you guys. Khyal rakho. Bye. Full support. Love you guys. Bye, Kangana ma'am. Bye. Bye, Ali. I never thought I would cry for you. Sink in over. I'm going to hit you. Sab apne apne jagahon pe baith jao. Sari koshishe kar li hum logon ne. Ab hum finale ke bahut kareeb aa gaye. Yes, ma'am. बहुत करीब अब फिनाले से पहले सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है यस और मैं चाहती हूँ कि जो सबसे ज्यादा बैडएस कैदी हो वही ये गेम जीते यस तो मैं आप सबको इंक्लूडिंग प्रिंस सबको अगले हफ्ते की चार्जशीट में डालती हूँ वाओ शिवम अकेला ऐसा कैदी है उसे फिनाले का वारंट मिला है तो चार्जशीट में नहीं है कोई टेंशन ही नहीं है भाई पंखा वंखा ले जाओ अब आपको प्लेयर नहीं विनर्स की तरह खेलना होगा यस ढंग से खेलो देयर इज नो स्कोप ऑफ मिस्टेक्स योर गेम शुड हैव नो मर्सी एंड रिमेंबर इट्स गुड टू बी बैड यस मैम सी यू नेक्स्ट वीक बाय मलिका हिंदुस्तान गुड नाइट बाय बाय इंडिविजुअल गेम दिखा डाल सबको फाड़ डाल जो जो करना है क्योंकि एट द एंड इज्जत और बेइज्जती हमारे खुद के हाथ में ठीक है ना अपना 100% देना चाहिए जैसे भी है नहीं तो मेरे को एक बार बाहर निकले सुन हां बट सी मै नो वी विन दिस इन दिस स्टेक होल्डर्स इवन दे आर थिंकिंग आई एम गोइंग लो हु इज दे दिस स्टेक होल्डर्स अब बॉन्डिंग करने आ रहे हो बॉन्डिंग करने नहीं आ रहे तुम्हारे Hey, listen. तू कहाँ जा कर ले तुझे कर ले bonding. Don't try to get to me, yeah. No, I'm not. You don't said. Don't try to get to me. So I said to talk properly, no. तुमने बोला. हाँ कर लो bonding, कर लो 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 bonding. तुम्हें करनी है क्या पहले? मैं क्यों करूँ भैया? मेरे को फर्क नहीं पड़ता. मेरा जो दिल बोलता है वो बोलता है मुझे bonding करने की ज़रूरत नहीं है. मैं मिलने आ रहा था. तुम लोगों की तो दोस्ती पूरी दुनिया ने देख ली. करो bonding. It's okay. दोस्ती, दोस्ती, दोस्ती. तुम लोगों से तो अच्छे दुश्मन. I badly wanted Ali to go. I know. बाकी सब बॉन्डिंग करेंगे और अगर वो बेवकूफों की तरह जाएगी तो वो उसका गेम है समझ रही आजमा हाँ वो उसका गेम है यार बट आई रियली मिस अली मर्चेंट यार आई विल आल्सो मिस अली मर्चेंट बिकॉज़ आई थॉट आई विल टॉक टू अली मर्चेंट नाउ बिकॉज़ वो इंसान वो थोड़ा इन बाकियों से तो सेंसिबल था मैंने सबसे पहले मेरी बड़ी गलती हुई ना अंजलि मैंने तेरे को आके बोला उस दिन जब वहां पे बैठे थे हियर मी आउट मैंने तेरे को एज अ दोस्त बोला था एक पर्सनल चीज तेरे साथ मैंने शेयर की थी कि मेरे को लो लग रहा है उस दिन जो मैंने तेरे साथ वहां पे पांचवें वीक में जब डोमिनोज वाला टास्क हुआ था मैंने यहाँ पे बैठी थी मैंने साइशा से शेयर की थी आई शेयर दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक डोमिनोज का तुम लोग ने टास्क उठाया ये बोल के नहीं पूनम खुद गिव अप कर रही है तो इट आई बिकेम एन ईजी टारगेट अभी मेरी बात सुन अभी मेरी बात सुन अभी जब मैम बोल रही है कि सब लोग का इधर डर फेस है हाँ इसका डर फेस है पायल का डर फेस है सब लोग का डर फेस है आपको तो नहीं पता इट्स ओके मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ और मेरे हिसाब से और मेरे फैंस के हिसाब से मैं एक नंबर कर रही हूँ मेरे टास्क ये मेरे को पता exactly. हाँ तूने मेरे को क्या बोला अंजलि अगर लॉकआउट का हुआ तो प्लीज मेरा नाम पूनम पूनम आई वांट टू गो हाँ क्योंकि मेरे को बीच बीच में आ रहा है मेरे को इश्यू अप एंड डाउन हो रहा है मेरे सिस्टम में यार अब मैं मेरे सिस्टम में क्या अप एंड डाउन हो रहा है इसको बोलू तेरे को बोलू तेरे को बोलू नहीं फ्रस्ट्रेट होती हूँ अकेले रह रही मेरे घर पे क्या हो रहा है मेरे को मालूम नहीं है किसी को नहीं पता उसके बाद डूड कोई नहीं है मेरे अलावा
तो मेरा अलग सिचुएशन है ठीक है आई नो व्हाट आई कैन डू और मेरे को खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं वीक हो रही हूँ यार और मैं वीक यू हैव टू फाइट विद दैट यू हैव टू फाइट विद दैट मैं वीक नहीं हूँ यू हैव टू फाइट विद दैट बस एक मेरे से बड़ी गलती हो गई पर कोई ना Best thing about you are self-aware, ना तुम खुद को नहीं मैंने पूनम को बिल्कुल सही बात बोली कि अपने इमोशंस किसी को मत बताओ क्योंकि हर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अंडरस्टैंड करेगा मुनव्वर जो बोलता है कि अंजलि अरोरा को हाईएस्ट वोट्स आते हैं उसके 11 मिलियन है अभी बोलती बंद हो गई ना बोलती बंद हो गई ना बिकॉज़ वो जो कहता है कि भैया यहाँ पर अभी बोले वो 11 मिलियन उसके मुंह पे जाके जूता मारूंगी हां मारना जूता कौन से 11 मिलियन देखो तो लोवेस्ट वोट्स आए अब तो मैं उसको हाईएस्ट नहीं अभी तो मैं उसको लोवेस्ट लोवेस्ट वोटेड कह दे बुलाऊंगी मेरे सारे फैंस आई एम सो सॉरी यस आई एम सो सॉरी मैंने अपने पेन में अपनी जिम्मेदारियां आई एम सॉरी मेरे को माफ कर देना बोलो अब मैं फाड़ दूंगी तेरे को पूनम भाई भी दिखाएगी और पूनम पांडे भी दिखाएगी तो मेरे पास तो आई नहीं एक मिनट के लिए अरे आती हूँ मैं तेरे में अभी तो पता चला ना कि कौन तेरे दोस्त है कौन क्या है पता नहीं चला कि नहीं पता चला डे वन से पता है नहीं तेरे को मेरा बहुत क्लियरली पता है मैंने तेरा टाइम अप के लिए घंटी नहीं मारा मैंने किसके टाइम अप के लिए घंटी मारा तेरे को पता है ना और मैं तेरी कोई दोस्त वैसी दोस्त तो नहीं हूँ बहुत क्लियर पता है याद रख जो सा खेलना है खेल याद रख एक दूसरे को नहीं बाकी बहुत है मछलियाँ पता है उनको जरा हिलाओ ठीक है बोल पूनम को ब्रेन वॉश करेगी सबसे पहले ही मैं बोल दूं ना कि भाई तू नहीं थी डिजर्विंग हमको लगता था क्लियर बात तू नहीं खेल रही थी तो मैंने सही बोल दिया देख यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये मत सोचो कि वोट के ऊपर डिपेंड होता सब कुछ तुम शो को क्या दे रहे हो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है देख अभी इसके आगे उसको कितना ब्रेन वॉश होना है वो उसके ऊपर है बराबर हम लोग हर टाइम उसको नहीं समझा सकते और समझाओगे तो गलत है कि तू बार बार अगर डोंट गिव अप बोलती रहेगी मैंने उसको बोला जजमेंट खत्म हो जाने देना तब तक तुझे पूरी दुनिया को जाके क्यों बताना है डोंट गिव अप तो बिल्कुल नहीं चलेगा पूनम को शो में रख लिया तो सब कैसे उसकी फिर से वो करने लगी अभी इसका फ्लो चेंज हो जाएगा और अगर पूनम अपनी गेम को नहीं संभाल पाई तो फिर अगले हफ्ते चली जाएगी हाँ सिंपल क्योंकि उसमें बुद्धि कम है हाँ कम है अभी ये लोग खुद आपके साथ भिड़ेंगे मेरे साथ भिड़ेंगे क्योंकि हम लोग सॉफ्ट टारगेट है सबका या तो पायल या तो आसमा अब हमें डिसाइड करना है कि हम किसको वो रिएक्शन दें वैसे वाला या फिर सबके बजाते रहो छोटे भी फुटेज लेने के लिए आया ना कोई आपके पास और मेरे पास भी आते हैं वैसे तो बजाते रहो सबकी मैं भी यही करने वाली मैं भी सोच रही हूँ जो आया उसकी बजाओ अभी तो किसी को नहीं छोड़ना है क्योंकि सारे के सारे अभी कॉम्पिटिशन है एंड हम लोग सेमी फिनाले वीक में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं फरूखी यू हैव माई हार्ट जो मैंने किया तो बोल रही है बहुत थैंक यू वो बट मेरे लिए वो बहुत कॉमन है मेरे लिए वो बहुत नॉर्मल था आई अप्रिशिएट वो अप्रिशिएट कर रही हूँ उस चीज़ को बट दोस्तों के लिए इतनी देर से तुम साथ खेल रहे हो इतना तो हक बनता मैंने बोला मैं बताऊँ क्यों अभी उसको बुरा लगे तो लगे बट मुझे अंजलि से कन्विंस करना बात करनी पड़ी कन्विंस करना पड़ा उसने मुझे बोला कि तू उनसे पूछ वो जो बोल रहा है उसके बाद में बताती हूँ ठीक है तू जाती हूँ हाँ बोल बराबर हाँ बोलती हाँ पर पहले मैं उसके पास ही गई थी ना तो अगर उसने मुझे हाँ बोला होता तो मुझे तेरे पास आने की जरूरत भी नहीं होती ना तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कल ये मेरे पास आती तो क्यों देखती ऐसे लोगों को अगर ये मेरे पास आती पहले ही आती तो मैं ये तभी बोलती हाँ ले ले तो मैं बता रही हूँ इसीलिए मैं तुझे थैंक यू कर रही हूँ कि मुझे तेरे पास कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ी देखो मैं बता रही हूँ इंडिविजुअल गेम खेलने का प्रेशर भी सब पे आ रहा है तो मैं वही तो बोल रही हूँ ना प्रेशर तुझ पे भी है प्रेशर मुझ पे भी है उसको जज नहीं कर रही हूँ वही बोल रही हूँ बट बहुत भारी पड़ रहा था मैं ये भी सोच रहा था कि नौवे हफ्ते में अगर सीक्रेट में आया तो मेरा क्या होगा But the same time, I was like, ki, this is not for the game, this is for the friend. फिर hashtag Munjali, pen की इतनी फटती है अभी वो बात है कि हाथ में हाथ डालती हूँ तो उसकी फट गई मुनव्वर की
कि भाई आपने प्रिंस को बोल रहे हैं अंदर कि भाई आपने क्यों बोला कि मेरा बाहर मेरी बाहर गर्लफ्रेंड है, अब तो प्रॉब्लम हो जाएगी. और फिर बोलते यार हाथ में हाथ डालने वाला सीन कैसा आ गया, बाहर कैसे दिख रहा होगा, मैंने तो अलग सेंस से तेरा हाथ पकड़ा था, मैंने तो दो वो भाई तुम लोग जो कर रहे हो यहाँ पे वही दिख रहा है, कुछ अलग नहीं दिख रहा है बाहर. अब फिर बोल रहे हो बाहर हमारा बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है. तुम तो यहाँ पे वही तो मैं कह रही हूँ इतना नकली ड्रामा कर रहे हो, नकली ड्रामा मत करो, नकली ड्रामा की आड़ में ड्रामा भी कर रहे हो, लोगों के बाल कूट रहे हो, दवाइयाँ डाल रहे हो, इतना मुंजली मुंजली कर रखा है, हर तरफ तो मुंजली लिखा हुआ है. जब जोड़ी दिया नाम तो पूरी चीजें, फिर फैसला जो भी हो मंजूर हो, करो ना, करो ना भरपूर, और फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इसको भरपूर होना चाहिए. ये लोग भरपूर नहीं करते, ये लोग आधे आधा करते हैं भाई. शिवम शर्मा रसिक को भरपूर करना. मेरे पे टूटी थी तो मुझे कह रही थी कि मेरे प्राइवेट लाइफ का मजाक उड़ा रही थी उस दिन, तू बैठ के तू देख ना तू क्या कर रही है, बाहर तेरा बॉयफ्रेंड है, अंदर बैठ के तू गुलछर्रे उड़ा रही है, और गुलछर्रे उड़ा रही, दोनों बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहे, बाहर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबके है, और बैठ के मेरी शादी की गलत दिखा रहे, और मेरी शादी की सबको चिंता है, और उसकी चिंता, और बोलते शो वाले गलत तरीके से दिखा रहे, हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं. तुम लोग पहले अपना सॉर्ट आउट तो करो कि तुमको शादी किससे करनी है और गुलछर्रे किससे उड़ाना है. बात खत्म हो गई. तुम अभी फ्रेंड वाली हरकतें करोगे तो फ्रेंड वाली चीज दिखेगी, बाहर तुम बाहर जो तुम कर रहे हो वही दिख रहा है. जस्ट डोंट ट्रस्ट एनीवन, डोंट ट्रस्ट एवरीबॉडी. काहे का तेरी जजमेंट है इतने, जितना मेरा दिन मैं यहां पे हूं मैं खेलूंगी, मैं जान डालूंगी अपनी. बाकी पूनम यू हैव बीन हियर फॉर 8 weeks नाउ. या तुझ में इतनी क्षमता है कि तू पहचान सके कि लोग क्या कर रहे हैं. मेरे को सब समझ में आ रहा है. एग्जैक्टली सब समझ. उसके बाद अंजलि समझ में आ रही है, मेरे को मुनव्वर समझ में आ रहा है. देख मुनव्वर जैसा भी, मैं एक बात सुन मेरी बात, एक बात सुन तू. ये मैं बार बार बोल रही हूँ सिंस आई कम बैक, मुनव्वर और अंजलि ही सिर्फ ये शो नहीं. आगे तो सुन मेरे को पायल भी समझ में आ रही है, मेरे को आसमा भी समझ में आ रही है, मेरे को सब लोग समझ में आ रहे हैं. सी बिकॉज अभी जिस तरीके से पायल आ गई सडनली, मुझे अंदर वहाँ पे सुन तू, 2-3 बार उधर अंदर इधर शी इज ट्राइंग टू कैच मी बार बार लाइक देखा. उसकी वो कब से चल रही है तैयारी, क्लॉक किसके नाम पे फोड़ा, कब से चल रही है. मैंने नहीं आपका नाम लिया, आसमान ने नहीं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स ने आपका. उसकी तैयारी चल रही है. मैंने बोला हाँ मुझे पता है, मैंने देखा, मैं देख सकती हूँ. द सोल्यूशन इज टू बी योर सेल्फ, द सोल्यूशन इज टू नॉट ट्राई एंड बी समवन यू आर नॉट, एंड द सोल्यूशन इज टू मेक श्योर दैट यू हर्ड योर पॉइंट इज हर्ड. किसी के छत्र छाए में ना मैं पहले रही हूँ ना मैं आगे रहूँगी. बट राइट एट द एंड शी ऑल्सो सेड दैट अगर आपको मुनव्वर के साथ दोस्ती रखनी है तो आप रखो, अगर आपको वो वाला गेम खेलना है तो आप वो वाला गेम खेलो. That's your game. मुझे ये बताओ आज तुमने साइशा को बचाया क्यों? साइशा को बचाया क्यों? मुझे वो थॉट जानना है. क्योंकि आई न्यू के तुम बचाओगे. उसको बचाने का रीजन ये कि शी इज अ फ्रेंड प्लस दिस इज व्हाट आई एम. और मुझे हमेशा लगता है कि अगर दोस्त को जरूरत है तो उसको काम आ जाता है. पर उस दिन तो आप बहुत गुस्से थे जब उसने आपके प्लैंक के ऊपर टाइल लगाया, तो फिर आप मैं ऑब्वियसली उस पर गुस्सा था, बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे बदला लूं. नहीं बदला की बात नहीं, ये भी तो गेम का हिस्सा था ना. या बट मैंने बोला ना नॉट फॉर द गेम, फॉर अ फ्रेंड. फॉर योर फ्रेंड ऑल्सो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम. या तो वही ना कि मैं उसको आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ फील कि उसने जो मेरे साथ किया. Or you just want to be too good in front of the janta? No. Too good ki zarurat nahi hai. This is what I do. 9th hafte mein bhi aisa kuch aayega to aap bachaoge Anjali ko kuch karke. Abhi kya aaya? Kuch aur bhi aaya, task mein aaya, kisi mein bhi aaya. You want to show? Finale ko lekta hu. Ha? Mere ko finale ki race se bahar nikale ho. Aur finale mein leke aaunga log. Saisha ko? Dono bhai. Aaj mein aapko kaun lagta hai top 5 mein kaun hoga? Main, Shivam, baaki kisi ka pata nahi mujhe. योगदान है. 3 और आएगी, अब इतने लोग हैं इसमें से 3 कौन है अब देखेंगे अगले हफ्ते तक कौन क्या करता है. वाजी अभी तक तो गंदगी करने के अलावा कुछ कर नहीं रहे कुछ लोग.
मेकअप तोड़ रहे, इनर वेयर फेंक रहे लड़कियों के, उनको लग रहा है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कैरेक्टरलेस तो लग रहे हैं, उनका काम हाथ वाथ उनके सिर्फ कपड़े धोने में जो चलते वही अच्छा था, बाकी कामों में उनके हाथ सही नहीं चल रहे। कितनी बकवास करने में टाइम निकालते हैं ना लोग, हे भगवान। तास-वास करने में हाथ तो चलते नहीं है, बकवास करने में पैदा पैदा चलाते रहते बस। हम महारानी हैं, हमको टास्क करने की जरूरत नहीं, हम आराम से बैठ के करो करो करो, यहाँ तक पहुँच गए ये बहुत बड़ी बात है। सही बात है, ऐसे ही पहुँचो। तुम भी तो कच्चे धोके पहुंची हो, उसका तो ख्याल करो। सही बात है, तुमसे तो वो भी नहीं हुआ, हम क्यों कच्चे धोए किसी के। ओह माय गॉड, हमारे लिए 11 मिलियन फैंस होते तो हम कच्चे धुलवाते लोगों से। यही सोच खाने के थे पे मत करो, उसके बाद जितना जो करना है करो ना, लेना देना सामने से भिड़ना, एक ही वो भी अगर तुझे नहीं सुनना तो तुझे जो करना है कर। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हां दे तू जो बोल रहा है, गलती की मैंने बोल के, उसका मेकअप टूटा है। बगैर बताए तो कांड कर रही है ये, पट्टा बांधो इसका। ये बस मुनव्वर फारूकी कर सकता है और कोई नहीं। इनको फेस करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे, हम तो आपको भूल ही गए थे लेकिन अब हमें याद। ये लीजिए, मैं देती हूँ आपको, रुको ना, आपको दरवाजा बंद करना है। शर्मीले मैं लॉक कर दूँ आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉक करने में। कैसे लग रहा है? एक नंबर है ना, वेरी नाइस। जब ये बाहर सोए कि जल्दी सुलाओ इसको अंदर, अब लाइट जैसे बंद होगी, मेरे मजे ही मजे, मजे ही मजे, वाह जी वाह। जी सेवन आप रिस्पॉन्स तो दीजिए, इसको बाथरूम जाना है। नहीं नहीं नहीं, ये लुक दिया क्या हंसता वो, इट्स सो गुड, यही रहना जी सेवन, यहीं पर रहना। स्वीट ड्रीम्स, शुभ रात्रि। चुप, तू वहां पे खड़ी रह, तू वहां पे खड़ी रहना यार। मेरे कपड़े फाड़े ना, मेरा योगा मैट फाड़ा, यह परफ्यूम का स्प्रे, दोनों परफ्यूम यूजलेस हो गई है, तो इसको कहते हैं बैडास। 12 मिलियन वाली बैठी है अभी अंदर सॉलिटरी में, अकेले बैठी है ना, सोरी लेटी है, हाँ अकेले, क्या कर सकते हैं, हाथ छोड़ेंगे आप अगर हिंसा करोगे तो ये पनिशमेंट तो मिलेगी ना, बार बार मना करने के बावजूद हिंसा हिंसा हिंसा, तो ये तो मिलेगी एक ना एक बार। उसका धक्का पहले लगा था तुझे, साफ दिखाया उन्होंने क्लियरली, वो मेरे नाखून भी उसको लगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि मैंने एक बार भी उस पे हाथ नहीं उठाया, खुद ही मार लिए होंगे इसने, कुछ भी किया होगा नहीं पता है। अम्मा मिस यू सो मच, तू देख वहां पे तीनों में एक कॉमन चीज है, तीनों में एक कॉमन चीज है, खुद को टारगेट बनाओ और खुद बाद में विक्टिम बनो। रोने का टोचन कर करके तुम खुद टाकू का खुद को ही टारगेट बनाओ, ताकि सब तुमको टारगेट करे, और फिर सब 7-8 जन मिल के टारगेट करे तो तुम विक्टिम बनो। अभी नेक्स्ट टारगेट उनका अंजलि, अंजलि उन लोग का, क्योंकि उसको लगा ना कि अंजलि वीक हो रही है। यस, अंजलि को टारगेट कर रहे, शाइन नहीं होने दे रहे, उन लोग भी समझ गए।
ट्रबल भी करूँ, कल अगर मैं ट्रबल ना करूँ तुम्हें, तुम इनको ट्रबल करोगे? अरे 100% श्योर, ठीक है 110% तुम आपस में करके तुम डांस जीतो, काम मत करो, इनको करने दो, मैं ट्रैवल करना पड़ेगा। रेडी टू गो फॉर श्योर, डन। मैं तो तीनों को लूँ। मेरे को तो हाँ सीधा फिनाले। I'm going to tear them apart. Tear them apart. बस, go for it. यहाँ कुछ लोग अपने दिमाग में पहले से ही विनर बन के बैठे हैं। खैर, इनकी गलतफहमी जितने जल्दी दूर हो जाए उतना ही बेहतर, वरना फिनाले से पहले एक हफ्ता और बाकी है। इस हफ्ते बहुत पेटियां बंद होकर लॉकअप से बाहर गई हैं और इनकी भी जा सकती है। अब किसी से किसी का चेहरा नहीं छुपा, सबका असली चेहरा बाहर आ चुका है, लेकिन अब अत्याचारी खेल होगा और अत्याचारी एंड और बैड एस। मेरे अत्याचारी जेल में सिर्फ जीतने की चाहत होना ही काफी नहीं है, यहां वही जीतेगा जो खुद को किसी भी हाल में नहीं हारने देगा। सो गेट अप फॉर नेवर सीन बिफोर अत्याचार। See you next week.